नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और एक नजर खास खबर की ओर। संभल एक पुराना उपनिवेश है जो मुस्लिम शासन के समय भी महत्वपूर्ण था। वह सिकंदर लोदी की 15वीं सदी के अंत व 16वीं सदी के शुरू में प्रांतीय राजधानियों में से एक था। यह प्राचीन शहर एक समय महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी था। लेकिन कोविड-19 के बीच जो संभल में आज हसीना बेगम अस्पताल, जो अब एशियन अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, दरअसल इस अस्पताल के संगे बुनियाद दर्द के साथ ही आज हमने खास बात की हसीना बेगम अस्पताल के डायरेक्टर सेठ कासिम से, जिन्होंने बताया कि मां का इलाज नहीं हो सका, तब से ही मन में ठान लिया कि अस्पताल बनाएंगे और 140 बेड का अस्पताल कोविड L2 के लिए प्रशासन को सुपुर्द किया। स्टाफ और यहां के प्रशासन से पूरा सहयोग ही इसकी ताकत है, जो यह तेजी से आगे बढ़कर आम पब्लिक के लिए काम आ रहा है। दूसरी जगह से आ रहे हैं। हाँ जी, बराबर है। किस तरह से उनको वो कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे CMO साहब के भाई मेरे यहाँ एडमिट रहे, 4-5 जन एडमिट रहे, माशाल्लाह वो सही होके गए। फिर उनकी मदर आई, वो भी माशाल्लाह सही हो गई। जितने भी, अगर मान लो कहीं जगह नहीं मिल रही, तो मेरे हॉस्पिटल में कैसे न कैसे करके मैं रोज़ से रोज़ बेड बढ़ा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे, और ना कि कोई पैसे की वजह से कर रहा। अल्लाह ताला बस मेरा ये काम पूरा करा दे, सपना पूरा करा दे, और क्या नाम है, संभल की पब्लिक को इस महामारी से निकाल दे। मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला इसको सबको मतलब वो करे। और मेरा जैसा मेरा वो है, एम है, अल्लाह ताला हर भाई को इस करने की वो दे। और इसमें हॉस्पिटल में सब लोग दुआएं करें, मरीज जितने भी आ रहे हैं, बाहर के भी आ रहे हैं। वैसे हम ज़्यादातर पेशेंट जो हैं अपने ज़िले के ही ले रहे हैं, मगर हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई बाहर के पेशेंट नहीं लेंगे। जो अगर मान लो कोई सीरियस पेशेंट आता है तो हम उसको ले लेते हैं, जिसकी हमें जगह इसकी जान बचानी है। तो हमारे डॉक्टर 24 घंटे इसी अपनी जान पर खेल के मतलब हमारे डॉक्टर मतलब गंदा इलाज कर रहे हैं। हर वक्त मतलब राउंड पर रहते हैं, 3-3 राउंड मार रहे हैं अभी तक। अभी एक डॉक्टर डर लगता है कि हमारा कोई डॉक्टर कोई बीमार नहीं हो जाए, पर अल्लाह का शुक्र है, उस परवरदिगार का शुक्र है कि हमारे डॉक्टर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे, रात दिन काम कर रहे हैं। मैं भी 24 घंटे मैं 3-4 घंटे सोता हूँ कि मैं 24 घंटे मोबाइल मेरा खुला रखा कि अल्लाह कोई पेशेंट है आपको भर्ती है, क्या हालात है और अस्पताल की क्या निगरानी रखी जा रही है? देख, अस्पताल की तो लगातार निगरानी सेठ कासिम की तरफ से रखी जा रही है। हालात ठीक है, काफ़ी पेशेंट है और काम भी सही से हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको मरीज में, आपको पब्लिक को? काम यहाँ पर स्टाफ जो बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। मेरा मैसेज यही है कि मास्क पहन के रहिएगा और थोड़ी दूरी से रहिएगा, बचना यहाँ पर बहुत लाजमी है। देखिए, जो मरीज़ आते हैं, ज़्यादातर मरीज़ों को तो सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कुछ मरीज़ जिनका SpO2 वगैरह बहुत कम होता है, 70-80% होता है, उनको बाईपैप या NIV मास्क की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत कुछ परसेंट पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत ही पड़ती है। ये सारी सुविधाएँ हमारे यहाँ हैं और ज़्यादातर पेशेंट सही होके जा रहे हैं। कुछ पेशेंट जो बहुत ही ख़राब हालत में आते हैं, जो बहुत ही एंड स्टेज में आते हैं, उनको उनका इलाज कर पाने में दिक्कत होती है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें टाइम 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।